दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन मुरादाबाद के स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ईंट भट्टा उद्योग स्वामियों की किसी भी समस्या के लिए वे हमेशा तैयार हैं तथा सरकार उनके साथ खड़ी है। शासन के निर्देशों के क्रम में कोविड-19 कालखंड में भी ईंट भट्टा उद्योग बंद नहीं हुए, जारी रखे गए थे। जो भी समस्याएं जिलाधिकारी के माध्यम से उनके संज्ञान में आएंगे वे उनके निस्तारण का हर संभव प्रयास करेंगे। विशिष्ट अतिथि विनोद अग्रवाल महापौर ने कहा, GST में कोयले से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, आप सब भवन निर्माण के आधार स्तंभ हैं, आपके बिना कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। समाज निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके लिए सरकार सदैव तत्पर है। उन्होंने नवीन कार्यकारिणी को बधाई दी। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा श्री अग्रवाल ने कहा कि हम सबको एकजुट होकर भव्य राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र निर्माण में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके उद्योग ईंट भट्टे से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण का वह हर संभव प्रयास करेगी तथा नवीन कार्यकारिणी के गठन पर उन्होंने जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता, कोषाध्यक्ष नवीन जैन, महामंत्री संजीव चौधरी आदि को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता द्वारा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा प्रिया अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह माल्यार्पण कर बशोल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संरक्षक अनिल अग्रवाल, सेठ शाहिद हुसैन, रफीक भाई माजिद हुसैन, मुकेश सरदार, त्रिलोचन सिंह, जाकिर हुसैन, राजवर्धन, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, अरविंद सिंह, शरीफ भाई, मुकेश गोयल, आशीष अग्रवाल, हरीश वीर सिंह, राजवर्धन हुसैन हाजी, शमीम अहमद, अरविंद सिरोही, नादिर अली, संजीव चौधरी, प्रदीप गुप्ता, मनोज गुप्ता, हाजी सलीम, शिव कुमार गुप्ता, नादिर अली, मनोज गोयल, मुजाहिद भाई, शिव कुमार गुप्ता आदि ने विचार व्यक्त किए। महामंत्री है संजीव चौधरी जी, कोषाध्यक्ष है हमारे नवीन जैन जी, हमारे संरक्षक अनिल अग्रवाल जी, और हर जगह से हम मंडल से, हर तहसील से हर अध्यक्ष बनाएंगे और पूरी कार्यकारी कॉपी हम आपको देंगे। धन्यवाद। GST के बाद जिस तरह आर्थिक स्थिति में समस्या आ रही है भट्टा एसोसिएशन में, आगे किस तरीके सुधार आएगा? स्थिति में रहेंगे तो हम शायद भट्टे नहीं चला पाएंगे। ऐसी अगर GST हमारे साथ बढ़े तो हम नहीं दे पाएंगे। क्या उद्योग ग्रामीण उद्योग है, ये ऐसे नहीं चला पाएंगे। और माननीय जिलाधिकारी महोदय भी आज यहाँ पर उपस्थित रहे। जो भी भट्टे से संबंधित समस्या है उसका निराकरण का हमने आश्वासन दिया है। और कोई भी ये जो ईंट के निर्माता है तो कहते हैं कि ईंट ही मजबूत होती है, किसी भी शहर के विकास में ईंट का एक बहुत बड़ा, ये हमारे ऐसे सारे भट्टे के ईंट के निर्माता। और जब किसी जगह की ईंट गए तो उसका विकास होगा। शुभकामनाएं मेरी इनको के आगे खूब इनका भट्टा चले, विवाद चले, सारी समस्याएं हल हो। अभी बताया है कि GST से संबंधित दिक्कत, तो मैंने आश्वस्त किया है कि 9 तारीख को मुरादाबाद के प्रभारी सांसद सफल शांति आ गए, उनके सामने इनकी बात जाएगी। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरह हाँ हाथ थैंक यू सर।